जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। कुछ गलतियां हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, पर इन गलतियों का भुगतान हमें हमारे जीवन काल में करना पड़ जाता है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में आज आपको बताऊंगी, और चूंकि आई हूं तो आपको एक आज का सारथी उपाय भी देकर जाऊंगी, जिसको करने मात्र से आप शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा, ढैया, पनौती सब से आपको राहत मिल जाएगी, और शनि का किसी भी तरह का गलत नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आएगा। तो चलें आरंभ करें, बताएं आपको। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपके सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जैसे कि आपको पता है, शनि का संबंध पैरों से होता है। वैसे तो शनि का संबंध हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन पैरों से प्राय इसका संबंध सबसे प्रथम माना गया है। पैरों को लेकर हम कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि हम बहुत जोर जोर से पैर पटक कर चलने की आदत डाल लेते हैं। इससे आपका शनि बहुत खराब हो जाता है। अगर आप बार बार अपने पैरों के ऊपर पैर रगड़ने की ये क्रिया करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपका शनि खराब हो जाता है। किसी सोते हुए व्यक्ति का अगर आप पैर छू लेते हैं, तो ये भी गलत चीज़ होती है। किसी ऐसे व्यक्ति का पैर कभी नहीं छूना चाहिए जो मंदिर के परिसर में खड़ा हो, फिर चाहे वो आपसे कितना भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो या आदरणीय हो। मंदिर परिसर में सिर्फ ठाकुर जी के पैर के अलावा किसी के पैर मत छूइए। कभी भी किसी भी कन्या से अपने पैर मत छुआइए। आप कभी भी अपने भांजे या भांजी से अपने पैर मत छुआइए। यह शास्त्र अनुसार गलत बताया गया है, और ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। अगर आपका शनि आपको बहुत परेशान कर रहा हो, तो शनिवार के दिन आपको अपने पैर में काला धागा ज़रूर बांध लेना चाहिए। शनि का प्रकोप अगर आपके जीवन में बार बार आपको सताता हो, तो आपको कभी भी किसी और के यूज़ करे हुए जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। अगर शनि से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिल रही हों, तो आपको काले रंग के मोजे भी अपने पैरों में नहीं पहनने चाहिए। आपके घर के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको काले रंग की किसी भी चीज़ को नहीं रखना है। अगर शनि आपको बार बार परेशान करें, तो आपको बहुत ज़्यादा जूते चप्पल अपने घर के अंदर एकत्रित नहीं करने हैं, जिन्हें आप यूज़ ना करते हो। कई लोगों को शौक होता है बहुत सारे चप्पलें जूते इकट्ठे करने का, वेराइटीज़ रखने का। ये भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डाल देती हैं। अब चूंकि आई हूं और आपको शनि का महा उपाय ना दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो चले बताएं आपको आज का सारथी उपाय। चलिए बताती हूं क्या करना है आपको। आपको शनिवार की रात्रि से ये कार्य चालू कर लेना है, और ठीक आपको 11 दिन ये कार्य करना है। रोज सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद इसे सुखा कर इस पर हल्की सी क्रीम लगा लीजिए। एक शनिवार छोड़कर आप अपने पैरों पर तेल भी लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके पश्चात आप अपनी उंगली से, कौन सी उंगली से, अपनी मध्यमा उंगली से अपने पैर के बीचम बीच बना लीजिए 8 नंबर, और ऐसा आप लगातार 11 दिन करके सोइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में शनि देव की वजह से कोई भी दिक्कतें उत्पन्न नहीं होंगी, बल्कि आपके बिगड़ते कार्य बनने लग जाएंगे। आपको धन हानि हो रही हो, शारीरिक कष्ट हो रहे हो, नौकरी में पीड़ाएं हो, या फिर आपके संबंध विच्छेद हो रहे हो, इस छोटे से कार्य को करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ
अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।